वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनबीई एफईटी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, एनबीई एफईटी 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, एडमिशन स्टार्ट है। तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन केस और कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है एनबीई का, तो गाइस हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एनबीई एफईटी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 जनवरी को जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 3 फरवरी इसका लास्ट डेट है, और यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन की एक लिंक दिखाई देगी। सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह का आप लोगों के सामने जो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोगों के सामने भी जो इस तरह से एक बार लोडिंग ली जाएगी टोटल 100% तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एजेंट हो या आप एप्लीकेंट हो, तो आपको सिंपली एप्लीकेंट पे टिक कर दे जो है सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो डिटेल्स दी जा रही है आपको सिंपली नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के क्लोज पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना जो है फुल नेम एंटर कर देना होगा। उसके बाद वापस यहाँ पे री एंटर करके आप लोगों को जो है फुल नेम आपका जो है कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बर्थ डेट आपको जो एंटर कर देनी होगी। तो गाइस डेट ऑफ बर्थ आपको जो वैलिड एंटर करनी है, कोई भी आप जो है गलत नहीं एंटर कर सकते। तो यहाँ पे आपको ईयर पे 2 बार क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा और आप आसानी से अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो हो जाएगी, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी आपकी क्या हो, नेशनलिटी आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेनी होगी जो भी आपकी नेशनलिटी है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना नेशनलिटी का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी मीन्स मैं यहाँ पे कोई भी जो है नेशनलिटी यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट करें जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस जो भी आपका कंट्री का कोड रहेगा वो कंट्री का कोड आपको जो है यहाँ पे एंटर कर देना होगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे जो है कंट्री कोड एंटर कर देना होगा। सो गाइस यहाँ पे 31 मैंने कंट्री कोड एंटर कर दिया है। देन आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हो, वरना आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है अपनी जो ईमेल आईडी एंटर कर देनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते सागर कुमार प्रोफाइल @gmail.com में यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वापस से यहाँ पे आपको जो है री एंटर करनी होगी आपकी ईमेल आईडी, तो सागर कुमार प्रोफाइल @gmail.com। तो यहाँ पे मैंने री एंटर कर दी अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब गाइस जैसे आप जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि मीन्स आप लोगों को पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है सेम एज इट इज कैप्चा आपको यहाँ पे जो एंटर करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद फिर आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अगेन जो है जनरेट ओटीपी मैंने क्लिक कर दिया आपको वापस से मैं बता दे रहा, सिंपली क्या करना होगा, जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे जो एंटर कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लिक करते आप देख सकते हैं कि आपके ईमेल पे जो है ओटीपी भेज दिया गया है, वही ओटीपी सेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो गाइस आपको जो है ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह का मेल आया होगा, वो ओटीपी आपको सिंपली उठा के यहाँ पे एंटर करके ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 691471, तो ये ओटीपी जो है हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, कॉपी पे से हो रहा है 691471, एक बार कंफर्म कर लेते वही था कि नहीं 691471। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा ओटीपी एक्सपायर हो चुका था, तो एक्चुअली आपको वापस जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको गाइस यहाँ पे जो कैप्चा है यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस मैंने एंटर करके सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दिया है। जैसे फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते आप लोगों को वापस ओटीपी आपके ईमेल पे भेज दिया गया होगा। तो गाइस जो सेकंड ओटीपी आई थी वो मैंने यहाँ पे जो है एंटर कर दिया, और एंटर करने का सिंपली आपको वैलिड ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। तो आप देख सकते हो ओटीपी जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। उसके बाद आई हैव रीड पे क्लिक करके वापस से आपको अगेन यहाँ पे जो है कैप्चा फिल कर देना होगा। यहाँ पे कैप्चा आप देख सकते हैं सेम एज इट इज आपको अगेन फिल करना होगा, और उसके बाद सिंपली आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सारी डिटेल्स फिल की हुई बताएगी, आपको ओके पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो गाइस आप लोगों का जो ये रजिस्ट्रेशन के स्टेप था, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया और कहा गया कि आपका गाइस फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिंपली ऊपर क्लिक कर देना होगा। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपके जो पेंडिंग डिटेल्स जो फिल करना बाकी वो आपको डिटेल्स यहाँ पे जो अभी फिल करने होंगे। तो आपके सामने भी इस तरह से एक बार लोड लिया जाएगा पूरी तरह से। लोड लेने के बाद जो डिटेल्स बताई जाएगी सिंपली आपको जो उसे पढ़ के इसे क्लोज कर देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना, उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल्स और फिर आपको टेस्ट सेंटर की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो गाइस कुछ कुछ डिटेल्स हमने ऑलरेडी फिल की, लेकिन जो डिटेल्स बाकी वो डिटेल्स हम यहाँ पे भी फिल कर देंगे। लाइक आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। आपको यहाँ पे गाइस अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो नंबर आपको एंटर कर देना होगा। वैलिडिटी कब तक है आपका पासवर्ड, आपको यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मेरा पासवर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ June 22। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया फिजिकली हैंडीकैप्ड है, येस या नो में आपको सिंपली आंसर देना होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना होगा, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्री जो है अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो कैसे यहाँ पे स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी पिन कोड रहेगा आपको पिन कोड एंटर करके सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि फादर्स नाम जो है यहाँ पे एंटर नहीं किया फादर्स नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है फादर्स नेम एंटर कर देना होगा। यहाँ से मुझसे छूट गया था एक्चुअली। मदर्स नेम भी जो एंटर नहीं किया हमने, मदर्स नेम भी एंटर कर देते हैं। और फिर सारी डिटेल्स के बाद चेक कर लेनी, हर एक डिटेल्स फिल करने का सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा है सेव सक्सेसफुली। अब गाइस हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो भी हमारा गया, सेकंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स पूछी जा रही है। लाइक सबसे पहले आप जो पीजी क्वालिफाइड कहाँ से आपने किया वो मीन्स किस टाइप का पीजी क्वालिफिकेशन आपका है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर किस कंट्री से आपने किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको सैंपल के तौर पे गाइस हर एक चीज़ जो सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है गाइस एज इट इज़ जो असलियत में आपने किया होगा जहाँ से वही आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे गाइस जो भी कॉलेज से आपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, आप एलिजिबल है या नहीं पीजी के लिए, जो जिस पीजी क्वालिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ पीजी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कब होगा आपका वो आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो है मीन्स सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वैलिड एग्जैक्ट जो है आपका वही आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ दिसंबर। सो नेक्स्ट उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन रजिस्टर है वो मेडिकल काउंसलिंग है तुम्हारे कंट्री में, तो येस या नो पे कर देना सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग नंबर पूछा जाएगा वो एंटर कर देना है, नेम पूछा जाएगा मेडिकल काउंसलिंग का वो आपका एंटर कर देना होगा। उसके बाद कैसे आपको और भी कई सारी डिटेल्स पूछा गया, आप देख सकते हैं फेलोशिप प्रोग्राम चॉइस के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। MBBS के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा के प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। सो क्या जो डिटेल्स रेड मार्क में है वो फिल करना कंपलसरी, बाकी के डिटेल्स आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू आपको नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ड्यूरिंग मेडिकल कोर्सेज के यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड हुए थे कि आप कभी, तो आपको सिंपली येस एंड नो पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जा रही कि अनफेयर मीन्स NBE के थ्रू आपने एग्जामिनेशन बॉडी जो NBE उसके थ्रू कभी आप अनफेयर मीन्स के लिए चार्ज किए गए हो, येस एंड नो पे सिंपली क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेरे से जो छूट गई है इस वजह से यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन फिर जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली। और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने फाइनल स्टेप, तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक किया तो अपलोड पे क्लिक करना होगा। देन ब्राउज पे क्लिक करके आपने फोटोग्राफ जिस भी लोकेशन में अपना फोटोग्राफ सेव किया सिंपली वो लोकेशन आपको जो एंटर मीन्स ओपन कर देनी होगी और अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेना होगा। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ एक्चुअली यहाँ पे PNG में है इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफ सेलेक्ट नहीं हुआ, JPG या फिर जो है JPEG में ही आपका फोटोग्राफ लेना चाहिए तो ही आपका फोटोग्राफ जो एक्सेप्ट होगा। सो गाइस फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट सिग्नेचर अपलोड करना रहता है, सिग्नेचर के लिए भी सेम स्टेट ब्राउज पे जाना होगा और जिस भी लोकेशन पे सिग्नेचर है उसे आपको सिंपली सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका अपलोड, फिर इसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपको एग्जाम सेंटर पूछा रहा है दिल्ली में चाहिए इंटरनेशनल, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा और अगेन यहाँ पे आपको जो है
ये जो डिटेल्स है सेम कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, आई होप कि आप आसानी से फिल कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के थ्रू हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।